दिवाकर भौजी गर्ल्स मिलने का एकमात्र स्थान जहाँ मिलेंगे फैंसी ड्रेस, जीन्स टॉप, लेगी कुर्ता प्लाजो कुर्तिया, वो भी नए नए डिजाइन में, एक बार अवश्य बता रहे। बेल्डवर्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय से एक शिकायत की गई, जिसमें आविदिका के द्वारा बताया गया कि उसकी पुत्री की निर्मम हत्या करने की रिपोर्ट लिखी जाए। आविदिका का कहना है कि मेरी पुत्री के पति के द्वारा उसकी हत्या की गई है, जिसका नाम देवेंद्र उर्फ मोनू अहरवाल है। मामला इस प्रकार है, रेखाबाई नाम की लड़की जो कि 12 साल पूर्व देवेंद्र से विवाह हुआ था, विवाह के उपरांत उसकी 4 संतानें थीं, जिसमें बड़ी संतान के द्वारा दिनांक 5/7 को शाम करीब 8 बजे मोनू उर्फ देवेंद्र जो कि शराब पीकर आया और उस अपनी पत्नी के साथ चरित्र लांछन लगाते हुए उसके साथ ईंट और लुढ़िया से मारपीट करने की शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय से की गई, जिसकी साक्षी उसकी बड़ी बेटी है जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है। इस घटना के संबंध में आविदिका के वकील मनीष नगाइश के द्वारा पुलिस अधीक्षक से परिवार के साथ पहुंचकर शिकायत की गई व मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की निष्पक्ष जाँच कर उचित कार्रवाई की मांग पुलिस अधीक्षक महोदय से की गई। वहीं उनके द्वारा यह भी कहा गया कि बच्ची से संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी भी आप ले सकते हैं। घटना के संबंध में अधिवक्ता मनीष नगाइश के द्वारा क्या कहना है, यह हम आपको सुनाते हैं। देखिए, पारिवारिक अंतर्कलह कब हत्या जैसी दुर्दांत घटना का स्वरूप ले लेता है, ये हम और आप कभी नहीं कह सकते हैं। एक किसी तरह का मामला हमारे ग्राम कोड़ाई थाना पटेरा के अंतर्गत सामने आया है। इस मामले में पति पत्नी, जिसमें मृतिका का नाम रेखा बाई है व उसके पति का नाम मोनू उर्फ देवेंद्र है, मोनू उर्फ देवेंद्र के द्वारा शराबखोरी करते हुए अपनी पत्नी के साथ में गंभीर मारपीट की गई और ये 5 जुलाई की घटना थी। 5 जुलाई के बाद से लगातार रेखा बाई का इलाज जबलपुर के अंदर चलता रहा और इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा घटनाक्रम नाबालिग बच्चों के सामने हुआ, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम में एक नाबालिग बच्ची, जिसका नाम मैं आपको उद्घोषित नहीं कर रहा हूँ, वह महत्वपूर्ण साक्षी है जिसके द्वारा पूरी घटना देखी गई है। और 5 तारीख से बाद में इलाज चलते हुए आज उस महिला की मृत्यु हो गई है। इसमें मृतिका के मायके वालों का यह भी आक्षेप है कि इसका जो पीएम है वो छुपाया जा रहा है और इसी गुहार को लेकर के आज हम एसपी साहब के सामने आए हुए थे, जिसमें हमने एसपी साहब के सामने ये अपना पक्ष रखा है कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया जावे और नाबालिग साक्षी के बयान लेकर के और उसकी परीक्षा करके उचित कार्रवाई आरोपी के विरुद्ध में की जाए।